हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होगा। मैं जी आपका वीक रैंक एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम अपना जीएस का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। कौन सा? प्राइम मिनिस्टर। हम यूनियन एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में अगला पार्ट देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखते हैं कि भाई अब करंट में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत देखिए, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भाई जो 16 तारीख का एमटीएस का एग्जाम हुआ था, कौन सा? 16 तारीख का 4:30 बजे की जो शिफ्ट में था, ठीक है। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे उस एग्ज़ाम में, ठीक है। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे उस एग्ज़ाम में, और वो दोनों वही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा रखे हैं। देखिए, मैंने अभी तक आपको 1.5 घंटे के करीब करवा रखी होगी, जो मेरे अगर आप टोटल वीडियो देखेंगे तो तकरीबन 1.5 घंटे की है, ठीक है। 9 वीडियो जो मैंने अभी डाली हुई है, क्लास 9, तो वो तकरीबन 1.5 घंटे की है। देखिए, 1.5 घंटे में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे एमटीएस में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए, वो 2 क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं आपको, कौन कौन से थे। पहला है कि भाई जो कैग है, हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है, उन्हें अपॉइंट कौन करता है। तो मैंने प्रेजिडेंट की वीडियो में बता रखा है कि भाई कैग को जो है ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई अगर प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ कंट्री में, तो उनके बाद प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो कौन संभालेगा, यानी प्रेसिडेंट की भूमिका कौन निभाएगा। तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, ऑप्शन में वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, पर इसे थोड़ा सा घुमाया हुआ था कि भाई स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो मैंने बता रखा है कि भाई स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है, वो वाइस प्रेसिडेंट ही है। तो प्रेसिडेंट के बाद स्पीकर ऑफ राज्यसभा ही उनका ओहदा संभालेंगे, यानी वाइस प्रेसिडेंट ही संभालेंगे। ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इससे ज़्यादा और क्या लोगे आप? 1.5 घंटे में दोनों क्वेश्चन पॉलिटी के जो है इसी में से थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के पहला क्वेश्चन क्या है। जो गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू है ना, ये कौन सी सिटी में अभी नया नया बना है ये जू? ये कौन सी सिटी में बनाया गया है? इसे कौन सी सिटी में जो है सेटअप किया गया है? तो कौन सी सिटी है? सिटी का नाम है नागपुर। नागपुर, नागपुर में ही अभी नया नया जू बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने साइन किया है एपैक्ट विद इंस्टीट्यूट टू एक्सप्लोर AI फॉर कंबैटिंग ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस को ही टीबी बोलते हैं। एग्जाम में आपको मिल सकता है कि भाई टीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो ट्यूबर क्लोसिस जो है टीबी की फुल फॉर्म है। तो किसके साथ इन्होंने साइन किया है? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है वाधवानी, वाधवानी इंस्टीट्यूट, वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके साथ इन्होंने अभी ये साइन किया है रिसेंटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द टर्म एनिमल स्प्रिट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। आपको घुमाने वाला दिख रहा होगा ये, पर ये कोई एनिमल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। द टर्म एनिमल स्प्रिट विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो ये किस फील्ड से है? देखिए, ऑप्शन आ सकते हैं कि भाई ये, पहले इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसका आंसर है इकोनॉमिक्स। ये जो एनिमल स्प्रिट है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऑप्शन पेपर में आ सकते हैं कि भाई ये एनिमल से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो एनिमल स्प्रिट है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कैंपेन, कौन सा कैंपेन? अग्निकर कैंपेन फॉर चेंज मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एंड अर्बन अफेयर्स।
ठीक है, ये जो कैंपेन जो शुरू किया है ये, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कैंपेन अग्निकर फॉर चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा ये चलाया गया है ये कैंपेन। चलिए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये है आर्टिकल 74, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 है उसके अंडर प्राइम मिनिस्टर आता है, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट बोलता है मुझे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड नहीं किया जाता, ये अपॉइंट किया जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है, मैंने पहले भी काफी बार बता चुका हूं मैं कि ये अपॉइंट और इलेक्टेड में फर्क है, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, ये क्या है भाई, रियल हेड, ठीक है, रियल हेड, प्रेसिडेंट कौन से होते हैं, वो होते हैं नोमिन नेशनल हेड, ठीक है, जो नॉमिनेटिंग हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, ये हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, इन्हें ही बोलते हैं डीफैक्टो, डीफैक्टो, और डी जूरे किसे बोलते हैं, प्रेसिडेंट को, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है डीफैक्टो, डी जूरे। अगला देखते हैं, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, इन्हीं की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट जो है और जो काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है, इसकी प्राइम मिनिस्टर की पावर देख लेते हैं कि भाई पहली पावर क्या है, रिकमेंड मिनिस्टर, जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देंगे कि भाई ये मिनिस्टर होंगे और इस मंत्रालय में ये जाएंगे, इनको इस ये मंत्रालय मिलेंगे, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि यूनियन मिनिस्ट्री होते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्रीज होती है ना जो, ये कुछ एक एग्जांपल ये हैं, बाकी और भी हैं काफी सारी, तो अगला देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी भाई ये प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि भाई लोकसभा का डिसॉल्यूशन कर दो, यानी लोकसभा को भंग कर दो, डिसॉल्यूशन का मतलब होता है भंग करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भाई ये होते हैं चेयरमैन, किस किस के चेयरमैन होते हैं, एक तो नीति आयोग, जब शुरू शुरू में ये नीति आयोग बना था तो एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाई नीति की जो फुल फॉर्म क्या होती है, तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके भी ये चेयरमैन होते हैं, और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल, इनके भी चेयरमैन होते हैं, और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इनके सबके ये चेयरमैन होते हैं, देखिए सब कुछ याद नहीं किया जा सकता पर कुछ चीजें ध्यान रखी जा सकती हैं, ठीक है, अगर आपको ये नाम ध्यान ना रहे तो एक बात ध्यान रखिए, सबके पीछे काउंसिल ही आ रहा है, ठीक है, सबके पीछे काउंसिल आ रहा है, तो एक तरह से पेपर में अगर हो जाए बाय चांस, आपकी किस्मत अच्छी हो या फिर बाय लक आपको मिल जाए सारी चीजें और किसी में मिल जाए कि भाई ये पूरा ही नाम मिल जाए, जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसी पे टिक करना, ठीक है, ध्यान रखना सबके पीछे काउंसिल आ रहा है, वैसे तो चार पांच नाम है, ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है, चलिए आगे प्राइम मिनिस्टर में ही देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, भाई काउंसिल जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिस काउंसिल्स में वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरा है एमओएस यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, अगला है डिप्टी मिनिस्टर, देखिए इसे फर्स्ट रैंक बोला जाता है, फर्स्ट रैंक, ठीक है, इसे सेकेंड रैंक भी बोला जाता है और इसे थर्ड रैंक,
ठीक है, इसे थर्ड रैंक यानी ये तीनों रैंक के अकॉर्डिंग भी होते हैं। पहला देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हेड द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी मंत्रालय होते हैं उनके सबके हेड होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैन आइदर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, की भाई इन्हें जो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं इन्हें जो है अलग से इंडिपेंडेंट चार्ज दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, ठीक है। किसका, या तो किसी मंत्रालय का या किसी डिपार्टमेंट का इन्हें चार्ज दिया भी जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता। और कैन अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, और इन्हें जो है कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के साथ भी अटैच किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं डिप्टी मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर। इसमें देखते हैं नोट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, की भाई इन्हें जो है इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, ठीक है। एंड ऑलवेज असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर, और जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं उनको हमेशा ये असिस्ट करते हैं, ठीक है। अगला है डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग, ये जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं उन्हें भी अटेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वे जो है कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, इसलिए जो है वे कैबिनेट की मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जितना भी था सारा प्राइम मिनिस्टर का, यही इंपॉर्टेंट है, यही अगर पेपर में आना होगा तो यहीं से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने शुरू में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि भाई 16 तारीख का जो एमटीएस का, मैंने एक ही पेपर देखा था बस, ठीक है। 16 तारीख का जो एमटीएस का पेपर हुआ था शाम को 4:30 बजे वाली शिफ्ट में, उसमें पॉलिटी के दो क्वेश्चन थे और दोनों ही मेरी वीडियो से आए हुए थे, ठीक है। जो जितना भी मैंने अभी तक करवा रखा दोनों ही क्वेश्चन वहीं से थे। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।